नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं रामानुजन मैजिक स्क्वायर के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये हमारे भारत के महान मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने डिस्कवर किया था। तो आइए जानते हैं कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। देखिए, ये रहा हमारा स्क्वायर, जो कि 4x4 का एक स्क्वायर है, और ये रही इसकी वैल्यूज। इसी स्क्वायर को कहा जाता है रामानुजन मैजिक स्क्वायर। अब इसमें मैजिक क्या है उसको समझिए। देखिए, अगर आप इस स्क्वायर की रोज को ऐड करें, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो आप देखेंगे कि हर रो का आंसर 139 आएगा। अब आप रोज को भूल जाइए, अब आप कॉलम्स को देखिए, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अगर आप इस स्क्वायर के कॉलम्स को ऐड करें तो हर एक कॉलम का आंसर 139 ही आएगा। अगर आप इस स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स के एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो भी दोनों केसेस में आपका आंसर 139 ही आएगा। अगर आप इस स्क्वायर के कॉर्नर के चार एलिमेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनको ऐड कर दें तो भी आपका आंसर 139 ही आएगा। अगर आप इस स्क्वायर के ये चार एलिमेंट या फिर ये चार एलिमेंट को ऐड करें तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर 139 ही आएगा। इसके अलावा अगर आप इस स्क्वायर के बीच के चारों एलिमेंट को भी ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर 139 ही आएगा। तो क्या हम ये मान लें कि 139 एक स्पेशल नंबर है? इसको समझने के लिए आपको देखना होगा इस स्क्वायर की फर्स्ट रो को। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है 22, 12, 18, 87। अगर हम 18 और 87 को साथ में मिला दें तो ये एक डेट बन जाती है, 22, 12, 18, 87। क्या आप लोग समझ पाए? दरअसल ये डेट ऑफ बर्थ है श्रीनिवास रामानुजन की। जी हाँ दोस्तों, 22 दिसंबर 1887 में श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था। इसका मतलब श्रीनिवास रामानुजन ने अपनी ही डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके इस मैजिक स्क्वायर को बनाया था। अब क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन की डेट ऑफ बर्थ का सम 139 आ रहा है, इसीलिए इस मैजिक स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करने पर हमें 139 मिल रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मैं किसी भी डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके एक मैजिक स्क्वायर बना सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके एक मैजिक स्क्वायर तैयार कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखिए, मैंने एक डेट ऑफ बर्थ मान ली 30/08/2005, राइट? आपको सबसे पहले 30 को ए मान लेना है, 08 को बी मान लेना है, 20 को सी मान लेना है और 05 को डी मान लेना है। और मैजिक स्क्वायर बनाने का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली इस स्क्वायर में ए, बी, सी और डी की वैल्यूज़ को पुट कर देना है और आपका मैजिक स्क्वायर तैयार हो जाएगा। आप जब इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा मैजिक स्क्वायर कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब आप कहेंगे कि सर, क्या इस बार भी रोस या फिर कॉलम्स को ऐड करने पर 139 आएगा? जी नहीं दोस्तों, इस बार रोस या फिर कॉलम्स या फिर डायगोनल्स को ऐड करने पर वो नंबर आएगा जो कि ए, बी, सी और डी को ऐड करने पर आएगा। आप देखेंगे, अगर मैं ए, बी, सी, डी की वैल्यूज़ को ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आएगा 63। यानी इस मैजिक स्क्वायर में रोस या फिर कॉलम्स या फिर डायगोनल्स या फिर कॉर्नर्स की वैल्यूज़ को ऐड करने पर मेरा आंसर 63 आएगा, राइट? तो आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करके एक मैजिक स्क्वायर जरूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।